अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान नासिर है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिस्टिकल एस्टीमेशन एंड इन्फ्रेंस। तो इन एस्टीमेशन तो आप पहले ही कर चुके हैं जब आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड किया था, ठीक। आज हम इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो एस्टीमेशन होती क्या है, ठीक। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पहले देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज़ ए द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन द सैंपल। ये डेफिनेशन जो है वो यहाँ से मैंने नहीं ली जो कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, बल्कि मैंने आपकी जो बुक है जो कि मैंने आपको लगवाई हुई है अफजाल बेग वाली, उसके अंदर पेज नंबर 101 पेज पे पैराग्राफ के आखिरी दो लाइनें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक। अच्छा, तो एक्चुअली बात यह है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इनके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी डील विद टेक्निक्स यूज टू एनालाइज डाटा, मेकिंग द टेस्ट ऑफ एस्टिमेट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेकन ऑन सैम्पल बेसिस एंड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। एक्चुअली अब ये जो डेफिनेशन जो है ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट से डाउनलोड किया। आप अगर चाहें तो किताब वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, वो आसान है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन क्या होती है, ये बुक वाली मैं पढ़ने लगा हूँ। ये पेज 101 का दूसरा पैराग्राफ है। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम ए सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्ड टू एज स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन और सिंपली एस्टिमेशन, ठीक। अगर हम इसको अब यहाँ पे बुक वाली डेफिनेशन मुश्किल है, जो मैंने लिखी हुई है वो आसान है। द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम ए सैम्पल डाटा इज कॉल्ड एस्टिमेशन। आप बुक वाली भी लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब पॉपुलेशन पैरामीटर एक नई टर्म आ गई जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पॉपुलेशन पैरामीटर एक ये वाली ये एक नई टर्म आ गई। अब ये क्या है, इस पॉपुलेशन पैरामीटर को और सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को मैंने नीचे वाली डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखें पैरामीटर डेफिनेशन दी है पैरामीटर की, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू और मेजर बिलोंग टू द पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि पॉपुलेशन से मुंसलिक है या पॉपुलेशन की मलकियत है, जैसे कि म्यू अर्थमेटिक मीन हो होता है, लेकिन उसको जब पॉपुलेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे तो वो म्यू होगा, ठीक। अच्छा, एंड द स्टेटिस्टिक इज़ ए न्यूमेरिकल मेजर बिलोंग टू सैंपल, यानी कि एक ऐसी मेजर जो कि सैंपल से बिलोंग करती है उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, और एक ऐसी मेजर जो कि पॉपुलेशन से बिलोंग करती है उसको आप पैरामीटर कहते हैं। अब अरिथमेटिक मीन के हवाले से या सिंपल एवरेज के हवाले से हम बात करें तो आपके पास जो पैरामीटर है वो म्यू होगा जो कि यहाँ पे म्यू है, ठीक। और ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ठीक। और अगर आप सैंपल के हवाले से बात करेंगे तो ये एक्स बार, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये सैंपल स्टैटिस्टिक या सिंपली इसको स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एस्टीमेशन के बारे में, ठीक। एस्टीमेशन जो है उसको हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टीमेशन। नंबर एक जो है वो पॉइंट एस्टीमेशन है, और नंबर दो जो है वो इंटरवल एस्टीमेशन है, ठीक।
ठीक। अच्छा, अब पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, इसको भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फार्मूला, एक मिनट जी मैम, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फार्मूला यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर इन ए सिंगल पॉइंट। तो वो कहता है ये जो एस्टिमेटर होता है, ठीक, जो कि इस सिचुएशन में सैम्पल स्टेटिस्टिक्स क्या है, ये एक्स बार है, ठीक, इसको वो एस्टिमेटर कह रहा है। ठीक, इस एस्टिमेटर की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जब हमारे पास सैम्पल डाटा होता है उसके थ्रू जब हम एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आपने कई दफ़ा निकाली है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको वो पॉइंट एस्टिमेट कह रहा है। समझ आई? आगे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 66 इंचेस। ठीक, मैं आपकी क्लास के बच्चों का डाटा ले लेता हूँ, लेट सपोज 20 बच्चे हैं, उन सब की मैं हाइट मेजर कर लेता हूँ, उनकी एवरेज निकाल लेता हूँ, जो कि 66 इंचेस आ जाती है। अब 66 क्या है, वो एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। अच्छा, और अगर मैं बच्चों की वेट का डाटा ले लेता हूँ, तो अब अगर मैं आपके बच्चों क्लास के बच्चों का वेट कर लेता हूँ, हर बच्चे का वेट कर लेता हूँ और उसकी एवरेज निकाल लेता हूँ, और वो अगर वो आ जाती है 55 किलोग्राम, तो अब ये जो 55 जो वैल्यू आई है ये एक पॉइंट है। ठीक, तो इस वजह से इसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो एस्टिमेट की वैल्यू देती है वो सिंगल पॉइंट में देता है। ठीक, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ना इस पॉइंट एस्टिमेशन का मसला क्या है। ठीक, ये तो पॉइंट एस्टिमेट हो गया ना, जब वो तरीका जो होता है एस्टिमेट करने का पॉइंट एस्टिमेट को, उसे पॉइंट एस्टिमेशन कह देते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पॉइंट एस्टिमेट। अच्छा, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी सी, लिखना, चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अब बात यह है कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू देता है, वो सिंगल पॉइंट पे देता है। अब वो ठीक हो भी सकती है, ठीक नहीं भी हो सकती, चांस है ना, एक चांस आ गया। ठीक, अब मैं अगर कह देता हूँ कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि शायद के नंबर जो हैं, अगर मैं टेस्ट लेता हूँ उसके नंबर 50 आ जाएंगे, अब हो सकते हैं उसके 50 नंबर आ भी सकते हैं, उसके 50 नंबर नहीं भी आ सकते। ठीक, इसी तरह से पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू वो हो भी सकती है 66 इंचेस या 55 किलोग्राम, और नहीं भी हो सकती। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है पॉइंट एस्टिमेशन के साथ। ओके, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन का निशान भी लगाया हुआ है, मैंने पेज 101 पे यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ के 1, 2, 3, 4 लाइन पे से स्टार्ट के एंड से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। कहता है ए स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड ए पॉइंट एस्टिमेटर और सिंपली एस्टीमेटर, एंड द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एन एस्टिमेट इन ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एस्टीमेट। ओके, अच्छा, अब जब पॉइंट एस्टिमेशन के साथ मसला ये आता है, तो फिर हमें एक और प्रोसीजर चाहिए होता है एस्टिमेशन के लिए, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, वी एस्टिमेट एन इंटरवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर मे बी एक्सपेक्टेड टू लाई विद ए सर्टेन डिग्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भी डेफिनेशन आपकी बुक से ली गई है। ठीक, ये जो पहला पेज है 101, उसके ऊपर सबसे एंड में डेफिनेशन है 12.3 अनबायसनेस, उसके ऊपर वाली दो लाइनें हैं, वो डेफिनेशन है इंटरवल एस्टिमेशन की। ठीक, अच्छा, अगर छोटा से बात करेंगे समझाने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरवल एस्टिमेशन इज द रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट होता है
ठीक, उसके साथ इधर उधर करके ना रेंज बना दी जाती है, थोड़ी सी इधर नेगेटिव साइड पे, थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे, और दरमियान में पॉइंट एस्टिमेट होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, ये पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक। और ये जो है, ये सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जिसको मैं, जी, जो मैंने येलो कर दिया है, ये जो, सॉरी, तो ये क्या है, तो ये है मार्जिन ऑफ एरर, ठीक, जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, एरर जो बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, ठीक। इसकी दूसरे अल्फाज में लिखा हुआ है, इट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द पॉइंट एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल द कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। अब ये जो इंटरवल है, ये यहाँ मैंने बताया गया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लिमिट्स हैं, इंटरवल और तरह से होता है, ऑफ पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन के लिए ये लिया गया है, ठीक। ये पॉइंट एस्टिमेट हो गया, ये प्लस माइनस इस वजह से लगाया है, जब आप माइनस करेंगे तो एक लोअर वैल्यू जनरेट होगी, जब आप प्लस करेंगे तो एक अपर वैल्यू जनरेट होगी, ठीक। तो ज़ाहिर सी बात है, इंटरवल दो पॉइंट्स के दरमियान जो जो फासला होता है, इसको इंटरवल कहते हैं। तो जब दो पॉइंट्स होंगे तो इंटरवल बनेगा, इस वजह से एक प्लस है जो कि अपर वैल्यू देगा और एक माइनस है जो कि लोअर वैल्यू देगा। अच्छा, अब मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स बनाए हुए हैं साथ, वो देख लें, एक्स बार, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स बार, तो वो उसके बारे में बता रहा है, एक्स बार इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक। अब नंबर दो पे सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये इसको, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। बाज़ अवकात ये गिवन होता है, बाज़ अवकात ये गिवन नहीं होता, इसका एस्टिमेट गिवन होता है, इसका एस्टिमेट एस स्क्वायर होता है, जिसको हम जो कि सैम्पल से निकालते हैं। बाज़ अवकात हमें डाटा गिवन होता है, हमें उस डाटा से एक्स बार भी निकालना होता है, डाटा से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है जेड अल्फ़ा बाई टू, अब ये क्या चीज़ आ गई, ये जेड अल्फ़ा बाई टू जो है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में जेड की वैल्यू है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया है, वहाँ पे आपने और तरीके से इस्तेमाल किया है स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल, यहाँ पर हम और तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये एक टर्म है वन माइनस अल्फ़ा, इसको कहते हैं हम कॉन्फिडेंस कोफिशेंट, और ये एक छोटा सा अल्फ़ा दिया गया है, ठीक। ये जो होता है, ये मार्जिन ऑफ एरर होता है, ठीक। इसकी कोई एक वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, जिसके अंदर इसको ज़रा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, मुख्तलिफ उस्ताद जो कि यूट्यूब पे लेक्चर बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, फिर पाँचवें पॉइंट में एन, एन क्या है, एन इज़ द सैम्पल साइज, एन क्या है, सैम्पल साइज। अच्छा, प्लस माइनस के बारे में बता रहा हूँ, गिव्स द टू वैल्यूज विच इस्टेब्लिश द रेंज, रेंज ऑफ वैल्यूज इंटरवल, सो आई आर एन सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, और इस केस में एस्टिमेटर क्या है, वो है एक्स बार। तो इस छोटी सी वीडियो को फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कि वीडियो बनी भी है कि नहीं बनी।